गाइस सिंपल एनर्जी ने अपने सेकंड स्कूटर लॉन्च कर दिया है, आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस अब बात करते हैं स्पेक्स और फीचर्स की। सो गाइस जो आपको सिंपल वन में फीचर्स और जो स्पेसिफिकेशन मिल रहे थे और परफॉर्मेंस जो है सिंपल वन में मिलते थे, वही फीचर्स और परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर देखने मिल रहा है। सिर्फ जो बैटरी पैक है इसमें आपको 3.7 किलोवाट आवर का मिल रहा है। सो गाइस रेंज जो है यहाँ पर 151 सर्टिफाइड रेंज जो है देखने मिल रहा है। सो रियल वर्ल्ड में आप बोल सकते हो 130 से 140 के बीच में जो है रेंज रियल वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। एंड गाइस इसमें आपको टॉप स्पीड जो है 105 देखने मिल रहा है, जो हमारे सिंपल वन में आपको सेम देखने को मिलता है। एंड गाइस 0 to 40 की स्पीड जो है 2.77 सेकंड्स में जो है कैच कर लेता है। गाइस आपको सिंपल वन और सिंपल डॉट वन में जो है परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस जो है देखने नहीं मिलेगा, आपको सेम टॉर्क जो है इसमें भी देखने मिलेगा, सेम मतलब सेम मोटर जो है वो भी सेम ही है। सिर्फ बैटरी पैक के अलावा जो भी इस गाड़ी में है वो सिंपल वन में भी जो है देखने मिलेंगे। एंड गाइस अब बात करते हैं प्राइस की, जो कि काफ़ी बढ़िया इन्होंने प्राइस मतलब प्राइसिंग किया गया है, जो कि है 1 लाख। सो 1 लाख में आपको 151 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज दे रहे हैं। एंड गाइस मैं बता दूँ आपको, जो सिंपल वन में परफॉर्मेंस मिलती है ना वो काफ़ी मतलब काफ़ी बढ़िया है। मैं ऑलरेडी 3500 किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूँ और जो है गाड़ी जो है मतलब रिलायबल रही है। कहीं ना कहीं एक बार जो है ब्रेकडाउन हुआ था, मैं आपको डिटेल रिव्यू जो है बाद में आपको दूंगा। सो गाइस मैं परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा था आपको। सो इको मोड जो है वो काफ़ी मतलब बढ़िया है, 55-57 की टॉप स्पीड जो है देखने मिलता है इको मोड में। एंड राइड मोड जो है गाइस 70 की टॉप स्पीड देखने मिलता है। एंड राइड मोड में जो है आपको इनफ टॉर्क है, अगर दोनों मतलब विथ पिलियन ट्रैवल कर रहे हो तो भी आपको जो है परफॉर्मेंस में मतलब कोई कमी ही नहीं लगेगी। सिटी राइड्स के लिए राइड मोड जो है वही काफ़ी है। एंड डैश मोड जो है वो ऑलरेडी पावरफुल है। एंड जो सोनिक मोड है वो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आप सिटीज़ में जो है आप सोनिक मोड को यूज़ नहीं कर पाओगे। एंड गाइस अगर आप राइड मोड यूज़ करते हो तो जो मेन बैटरी है 20% आने तक जो है आपको राइड मोड मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। गाइज अगर ये स्कूटर ये सक्सेसफुली मतलब मार्केट में लाएंगे तो जो मार्केट है अभी वो मतलब अब डिस्टर्ब तो ज़रूर होगा। एंड गाइज मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैंने सिंपल वन खरीद के मतलब गलती कर दी, क्योंकि मैंने जो प्राइस पे किया है 1,70,000 एंड इन्होंने जो लॉन्च किया है 1 लाख में 151 किलोमीटर रेंज के साथ, एंड जो सिंपल वन है 212 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देखने को मिलता है। सो गाइस मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ पोर्टेबल बैटरी के लिए जो है हमने 45,000 एक्स्ट्रा पे किया है। एंड गाइस वेबसाइट पे जो है इन्होंने अपडेट कर दिया है, लेकिन प्री बुकिंग जो है अभी नहीं ले रहा है, कुछ घंटे बाद आप शायद प्री बुकिंग जो है कर पाएंगे। सो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना सिंपल डॉट वन के बारे में क्या सोचते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक ले टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड राइड सेफ गाइज़।